संजय गुप्ता ने साल 1994 में मूवी आतिश फील द फायर से एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय दत्त, आदित्य पंचोली, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, अतुल अग्निहोत्री, गुलशन ग्रोवर और अजीत खान शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 4 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 7 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 13 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। साल 1995 में इनकी अगली मूवी आई राम शास्त्र। इस मूवी के लीड कास्ट में जैकी श्रॉफ, आदित्य पंचोली, मनीषा कोइराला, दीप्ति भटनागर, अनुपम खेर और मुकेश ऋषि शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 4 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 3 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 5 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1997 में इनकी अगली मूवी आई हमेशा। इस मूवी के लीड कास्ट में आदित्य पंचोली, सैफ अली खान, काजोल, अरुणा ईरानी, कादर खान और मिलिंद गुनाजी शामिल थे। ये एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 4 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 2 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2000 में इनकी अगली मूवी आई जंग। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, आदित्य पंचोली, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी और सौरभ शुक्ला शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 9 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 7 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 12 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2000 में ही इनकी अगली मूवी आई खौफ। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय दत्त, मनीषा कोइराला, शरद एस कपूर, सिमरन, मुकेश खन्ना और सुरेश ओबेरॉय शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 7 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 5 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 10 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2002 में इनकी अगली मूवी आई कांटे। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, लकी अली, महेश मांजरेकर, कुमार गौरव, मलाइका अरोड़ा और रति अग्निहोत्री शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 20 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 21 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 43 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में बिलो एवरेज रही। साल 2004 में आई मूवी प्लान। इस मूवी के डायरेक्टर थे हृदय शेट्टी और इस मूवी के प्रोड्यूसर थे संजय गुप्ता। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय दत्त, प्रियंका चोपड़ा, डीनो मौर्या, संजय सूरी, समीरा रेड्डी और रिया सेन शामिल थे। ये एक एक्शन कॉमेडी क्राइम मूवी थी। इस मूवी का बजट 9 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 7 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 11 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2004 में ही एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई मुसाफिर। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, समीरा रेड्डी, आदित्य पंचोली, महेश मांजरेकर, शक्ति कपूर, संजय दत्त और कोयना मित्रा शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 13 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 12 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 19 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2006 में इनकी अगली मूवी आई जिंदा। इस मूवी के लीड कास्ट में जान अब्राहम, संजय दत्त, लारा दत्ता, सेलिना जेटली,
महेश मांजरेकर और राज जुत्सी शामिल थे। ये एक एक्शन मिस्ट्री ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 13 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 10 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 18 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2007 में आई मूवी 10 कहानियां, ये मूवी मल्टी डायरेक्टर्स द्वारा डायरेक्ट की गई मूवी थी। इस मूवी के एक सेगमेंट को संजय गुप्ता ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी के लीड कास्ट में नाना पाटेकर, अरबाज खान, दिया मिर्जा, मंदिरा बेदी, सुधांशु पांडे, महेश मांजरेकर, नेहा धूपिया और अमिता हसनदानी शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 21 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 8 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 14 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2007 में ही आई मूवी शूट आउट एट लोखंडवाला, इस मूवी के डायरेक्टर थे अपूर्वा लाखिया और इस मूवी के प्रोड्यूसर थे संजय गुप्ता। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अभिषेक बच्चन, विवेक ओबेरॉय, अरबाज खान, तुषार कपूर, रोहित राय, अमिताभ बच्चन, दिया मिर्जा और अमृता सिंह शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 18 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 30 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 46 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सेमी हिट रही। साल 2008 में आई मूवी वुडस्टॉक विला, इस मूवी के डायरेक्टर थे हंसल मेहता और इस मूवी के प्रोड्यूसर थे संजय गुप्ता। इस मूवी के लीड कास्ट में अरबाज खान, नेहा ओबेरॉय, गुलशन ग्रोवर, सिकंदर खेर और सचिन खेडकर शामिल थे। ये एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट 6 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 2 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 3 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2009 में आई मूवी एसिड फैक्ट्री, इस मूवी के डायरेक्टर थे सुपर्णा वर्मा और इस मूवी के प्रोड्यूसर थे संजय गुप्ता। इस मूवी के लीड कास्ट में फरदीन खान, इरफान खान, मनोज वाजपेयी, डीनो मौर्या, आफताब शिवदसानी, दिया मिर्जा, डैनी और गुलशन ग्रोवर शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम मिस्ट्री मूवी थी। इस मूवी का बजट 21 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 4 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 6 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2010 में आई मूवी पंक, इस मूवी के डायरेक्टर थे सुदीप्तो चट्टोपाध्याय और इस मूवी के प्रोड्यूसर थे संजय गुप्ता। इस मूवी के लीड कास्ट में विपाशा बसु, महेश मांजरेकर, रोनित राय, लिलेट दुबे और माराडोना रेबोला शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 5 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 15 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 20 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2013 में एज ए डायरेक्टर इनकी मूवी आई शूट आउट एट वडाला, इस मूवी के लीड कास्ट में जान अब्राहम, अनिल कपूर, कंगना रनौत, सोनू सूद, मनोज वाजपेयी, रोनित राय और तुषार कपूर शामिल थे। ये एक एक्शन बायोग्राफिकल क्राइम मूवी थी। इस मूवी का बजट 49 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 54 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 83 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 2015 में इनकी अगली मूवी आई जज्बा, इस मूवी के लीड कास्ट में ऐश्वर्या राय, इरफान खान, शबाना आजमी, जैकी श्रॉफ, अतुल कुलकर्णी
और चंदन राय सान्याल शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 28 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 22 करोड़ 47 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 42 करोड़ 96 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 2017 में इनकी अगली मूवी आई काबिल। इस मूवी के लीड कास्ट में ऋतिक रोशन, यामी गौतम, रोनित राय, रोहित राय और गिरीश कुलकर्णी शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी थी। इस मूवी का बजट 60 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 103 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 208 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 2021 में इनकी अगली मूवी आई मुंबई सांगा। इस मूवी के लीड कास्ट में जान अब्राहम, काजल अग्रवाल, इमरान हाशमी, सुनील शेट्टी, महेश मांजरेकर, प्रतीक बब्बर, गुलशन ग्रोवर और अमोल गुप्ते शामिल थे। ये एक एक्शन क्राइम हिस्टोरिकल मूवी थी। इस मूवी का बजट 42 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 16 करोड़ 53 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 22 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको संजय गुप्ता की एज ए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनकी सभी मूवीज के बारे में बता दिया। संजय गुप्ता की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।